गुड मॉर्निंग एवरी वन. टुडे वी रीड चैप्टर 11 पार्ट 3 पेज नंबर 131. मिनरल्स. मिनरल्स आर केमिकल सब्सटेंस. जो मिनरल्स होते हैं वो रासायनिक तत्व होते हैं. दे आर फाउंड नेचुरली ऑन द अर्थ. यह पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं. मिनरल्स फॉर्म अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर टू फॉर्म रॉक्स. जो मिनरल्स होते हैं ये पत्थरों में रॉक्स में परिवर्तित हो जाते हैं. तब इनका जो स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, ये क्रिस्टल फॉर्म में चेंज हो जाती है. मिनरल्स कैन बी मेटालिक और नॉन मेटालिक इन नेचर. हमारी प्रकृति में मिनरल्स दो प्रकार से उपलब्ध होते हैं, मेटालिक धात्विक रूप से और नॉन मेटालिक अधात्विक रूप से. मेटालिक मिनरल्स के बारे में बताया गया है. मेटालिक मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स. मेटलिक मिनरल्स को ओर्स भी कहते हैं. मेटल्स आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दीज मिनरल्स. मेटल जो होते हैं ये एक तरह के मिनरल्स होते हैं. मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग मशीन, फर्नीचर, वायर, कॉइन एंड यूटेंसिल. मेटल्स का उपयोग मशीन, फर्नीचर, वायर, कॉइन और यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन बनाने के काम आता है. गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी. गोल्ड और सिल्वर का यूज़ ज्वेलरी बनाने में किया जाता है. आपको साइड में एक टेबल भी दी गई है. मिनरल एंड मेटल ऑब्टेन सल्फ्यूराइट जिंक, हेमेटाइट आयरन, बॉक्साइट एल्यूमिनियम, कपराइट कॉपर, गैलेनियम लीड. तो ये मिनरल्स जो हैं, मेटल जो हैं, वो मिनरल्स से ही बने हुए हैं. नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं? कोल एंड पेट्रोलियम आर अवर मोस्ट वैल्यूएबल नॉन मेटालिक मिनरल्स. जो कोल और पेट्रोलियम होता है ये हमारे नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं. कोल के बारे में बताया गया है पहले. कोल इज़ अ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स दैट वी गेट फ्रॉम द अर्थ. जो कोयला होता है यह एक प्राकृतिक स्रोत है जो कि हमें पृथ्वी जो हमारी पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है. इट इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक. यह सेडिमेंट्री रॉक है. लॉन्ग एगो द अर्थ वॉज कवर्ड विद फॉरेस्ट एंड स्वाम्प्स. जब हजारों सालों पहले की बात है, पृथ्वी हमारी जंगल और दलदल से घिरी हुई थी. व्हेन प्लांट्स डाइड दे फील इनटू दीज स्वाम्प्स. जब पेड़ पौधे इन दलदलों में गिरकर मर जाते थे ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. तब मिलियन ऑफ ईयर बीत जाते थे. मड एंड न्यू प्लांट्स गॉट डिस्पोज्ड ऑन देम. इसमें पड़े पड़े यह मिट्टी के नीचे दब जाया करते थे पेड़ पौधे. ड्यू टू इंटेंस प्रेशर द बॉटम लेयर ऑफ प्लांट मैटर चेंज्ड इनटू कोल. फिर अत्यधिक दाब के कारण जो बॉटम लेयर होती थी उसमें ये प्लांट्स नीचे दबते जाते थे और कोयले के रूप में बदल जाते थे. आगे देखिए. देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कोल. चार प्रकार से कोयला पाया जाता है. पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस एंड एंथ्रासाइट. पीट क्या है? पीट वॉज द अर्लीस्ट टाइप ऑफ कोल टू बी फॉर्म्ड. पीट जो है वो बहुत पुराने प्रकार का कोयला है. इट इज़ नॉट यूज्ड ऑफन एज इट गिव्स ऑफ वेरी लेस हीट वेन इट बर्न्स. यह जलने पर बहुत कम ऊष्मा देता है. लिग्नाइट फॉर्म्स द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स कोल रिजर्वर. जो लिग्नाइट होता है यह हमारे वर्ल्ड में अधिक मात्रा में पाया जाता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्राउन कोल. इसे भूरा कोयला भी कहते हैं. बिट्यूमिनस इज़ ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट कोल. यह बहुत ही मुलायम कोयला होता है. इट बर्न्स विद अ लॉट ऑफ स्मोक. यह बहुत अधिक धुएँ के साथ जलता है. द बेस्ट कोल इज़ एंथ्रासाइट. सबसे बेस्ट एंथ्रासाइट कोल को माना गया है, जिसे हम हार्ड कोल भी कहते हैं. इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ड कोल. वेन इट बर्न्स, जब यह जलता है, इट गिव्स अ लॉट ऑफ हीट एंड वेरी लिटिल स्मोक. यह बहुत कम धुएँ के साथ और बहुत ज़्यादा ऊष्मा देता है. कोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल ऑल ओवर द वर्ल्ड. कोयला सारे संसार में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्यूल है, ईंधन है. इट इज़ यूज्ड टू कुक
यह खाना पकाने टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत पैदा करने एंड इन स्टील प्लांट्स टू मेक स्टील और स्टील बनाने के काम आता है स्टील प्लांट्स बनाने के। कोल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल माइंस जो कोयला होता है वह कोयले की खदानों से निकलता है। फाउंड इन कोल रिच एरियाज जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है ऐसे क्षेत्रों से इस कोयले को निकाला जाता है। धनबाद नवेली एंड रानीगंज इन इंडिया हैव कोल माइंस कोयले की खदानों के नाम हैं जहाँ पर कोयला पाया जाता है धनबाद नवेली और रानीगंज। नेक्स्ट पढ़ते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल एंड ब्लैक गोल्ड इसे हम ब्लैक गोल्ड और क्रूड ऑयल के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम द ब्यूराइड रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द सी जब समुद्रों में प्लांट्स और एनिमल्स कई सालों तक मृत पड़े रहते हैं तब पेट्रोलियम बनता है। नेक्स्ट देखिए पेट्रोलियम कैन नॉट बी यूज्ड इन इट्स नेचुरल स्टेट यह प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाया जाता है। इट इज़ रिफाइंड टू ऑब्टेन पेट्रोल इससे पेट्रोल एलपीजी सीएनजी और डीजल आदि प्रकार के पेट्रोलियम पाए जाते हैं। बॉम्बे हाई ऑन द मुंबई कोस्ट एंड डिगबोय इन असम आर सम प्लेसेस वेयर पेट्रोलियम इज़ एक्सट्रैक्टेड इन इंडिया हमारी इंडिया में बॉम्बे हाई जो कि मुंबई कोस्ट है कोस्ट पर है और डिगबोय जो कि असम में है यहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है। पेट्रोल ऑप्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम पेट्रोल पेट्रोलियम से प्राप्त होता है इज़ यूज टू रन व्हीकल्स जिससे व्हीकल्स चलाए जाते हैं। पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो यूज इन द इंडस्ट्रीज दैट मैन्युफैक्चर प्लास्टिक पेंट फर्टिलाइजर्स एंड कॉस्मेटिक्स पेट्रोलियम का यूज़ इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है जैसे कि प्लास्टिक बनाने पेंट फर्टिलाइज़र और कॉस्मेटिक बनाने में। पैराफिन वैक्स इज़ ऑल्सो ऑब्टेंड फ्रॉम इट पैराफिन वैक्स भी इससे प्राप्त होती है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग कैंडल्स एंड पॉलिश इसका उपयोग कैंडल और पॉलिश बनाने में भी किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हम इन प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। वी ऑल नो दैट द अमाउंट ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट इन ऑन अर्थ आर लिमिटेड हमें पता है कि जो हमारे मिनरल्स का अमाउंट है वह हमारी पृथ्वी पर सीमित है यह सीमित मात्रा में उपस्थित हैं। सो वी हैव टू कंजर्व देम इसलिए हमें चाहिए कि हम इनका संरक्षण करें इनको बचा कर रखें। दिस कैन हैपन थ्रू ज्यूडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज हम इन बहुमूल्य स्रोतों का उपयोग करते हैं इनको हमें कैसे बचा कर चलना है ये बताया गया है। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स सच एज मेटल मिनरल फॉसिल फ्यूल आर बीइंग डिप्लीटेड एट एन अलार्मिंग रेट हमारे जो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे कि मेटल मिनरल फॉसिल फ्यूल ये सभी एक ख़त्म होने की कगार पर आ गए हैं। कोल एंड पेट्रोलियम टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी फॉर्म्ड और कोल और पेट्रोलियम को बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। सो इफ़ वी वॉन्ट टू कंटिन्यू द बेनिफिट्स ऑफ दीज रिसोर्सेज वी मस्ट कंजर्व देम यदि हमें इनका लाभ प्राप्त करना है इनका उपयोग करना है तो हमें इन्हें संरक्षित करके रखना होगा। फर्स्ट पॉइंट है ऑल आवर मशीन सच एज कार अदर व्हीकल्स शुड बी इन गुड वर्किंग कंडीशन यदि हमें अपनी व्हीकल्स और कार्स में लगी हुई मशीनों को अच्छी कंडीशन में रखना चाहिए। दिस प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल ताकि पेट्रोल और डीजल कम लगे यदि हम अपने व्हीकल्स को अच्छी कंडीशन में रखेंगे तो पेट्रोल डीजल कम लगेगा। वी शुड यूज़ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज विंड वाटर एंड सोलर एनर्जी हमारे जो कुछ एनर्जी सोर्सेज हैं विंड वाटर एंड सोलर एनर्जी इन्हें हमें अल्टरनेटिव यूज़ करते रहना चाहिए। विंड वो वाटर सोलर एनर्जी का यूज़ करेंगे तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करेंगे तो जिससे हमें जो हमारे नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स हैं इनका इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। माइनिंग शुड बी डन इन अ वे दैट प्रिवेंट वेस्टेज और माइनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम वेस्टेज को रोक सकते हैं। वी शुड बी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी ज्यूडिशियस और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ भी हमें समझदारी से करना चाहिए ज़्यादा बर्बादी नहीं करना है वेस्टेज नहीं करना है इन सब चीज़ों को बचा के रखना है इनका सही उपयोग करके हमें इन्हें सुरक्षित रखना है। सो रीड दिस चैप्टर अगेन एंड ट्राई।
टू फिल द एक्सरसाइज़।